गोवर्धन के गांव अन्योर में विधायक ने नाले का शुभारंभ किया। ये नाला लगभग 6 किलोमीटर लंबा होगा। इस नाले के बन जाने से परिक्रमा मार्ग और ग्रामवासियों को जलभराव की समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। गोवर्धन क्षेत्र के अन्योर में आज गोवर्धन के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने विधिवत पूजन कर नाले निर्माण का शुभारंभ किया। लगभग 5,82,00,000 की लागत से बन रहे नाले की लंबाई लगभग 6 किलोमीटर की होगी। गांव के गणमान्य लोगों और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में विधायक कारिंदा सिंह ने पूजन अर्चन करने के बाद नारियल फोड़कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक ने बताया कि इस नाले के निर्माण से स्थानीय लोगों को जल निकासी की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा, साथ ही परिक्रमा मार्ग में जल भराव की समस्या से भी लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही गांव के गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों और आदर्शों का पालन करने की भी सभी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अपील की गई। अनोर में यहाँ पानी निकासी की इतनी दिक्कत थी, आपने भी देखा होगा यहाँ बरसात के टाइम में रास्ते में पानी भर जाया करता था। यहाँ के आसपास के हित वाले भी परेशान थे, तो गांव वाली गांव के साथ साथ में जो परिक्रमार्थी भी आते थे उनको परिक्रमा देने में दिक्कत होती थी। उसी को दृष्टिकोण रखते हुए लगभग 6 किलोमीटर के नाला बनेगा और उसकी लागत भी इसका 5,20,00,000 के आसपास इसकी बनाने में लागत लगेगी। और मैं समझता हूँ जो इतनी पुरानी समस्या थी, आज की समस्या नहीं थी, बहुत पुरानी समस्या चली जा रही थी, तो ये समस्या का निश्चित निदान होगा। निर्माण किया जा रहा है यहाँ से लेके और पानी यहाँ उसमें नाले में डाला जाएगा। और यहाँ मार्ग में कितने किलोमीटर बनाएगा ये परिक्रमा मार्ग में? पिछले शुरू हमने पहले किया था, उधर आपने राधा कुंड शुरू हो गया, जहाँ जहाँ पानी भराव होता है, जहाँ जहाँ कहीं दिक्कत है, हर जगह पे यहाँ नाले बनाए जाएंगे। जी की जहाँ दिक्कत है, हर जगह से पानी निकासी का इंतजाम किया जाएगा।